कटनी जिले की बहोरीबंद विधानसभा में मतदाता एवं कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में खजुराहो लोकसभा सांसद विष्णुदत्त शर्मा पहुंचे। जिले के बहोरीबंद विधानसभा प्रवास दौरान विभिन्न स्थानों पर स्थानीय नागरिकजनों और भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं से भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि जनता का अपार स्नेह प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहोरीबंद विधानसभा समेत खजुराहो लोकसभा के समुचित विकास एवं जनकल्याण के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। उन्होंने कहा कि बहोरीबंद विधानसभा के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। रही बात बजट से बहोरीबंद से जाने वाली नर्मदा नहर को दरकिनार रखा गया है, इस बात पर लोगों को भरोसा दिलाया कि हम इस पर हर संभव प्रयास करेंगे जिससे बहोरीबंद के किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो। वहीं इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक प्रणय प्रभात पांडे ने भी जनता का आभार व्यक्त किया। मौके पर पहुंचे जिलाध्यक्ष दीपक सोनी टंडन, बहोरीबंद क्षेत्र से आए हुए व क्षेत्र से शंकर महातो, चंद्रभान पटेल, कमलेश सेन, मंडल अध्यक्ष राजेश चौधरी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। पीबीसी के लिए कटनी से हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आज बहोरीबंद विधानसभा के सभी कार्यकर्ता मतदाता भाइयों का आभार व्यक्त करने के लिए मैं आया था और आज जो प्रचंड जीत खजुराहो लोकसभा में जनता के आशीर्वाद से मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत पर श्रम प्रत्येक बूथ पर आज कटनी जिले में केवल 8 बूथ भारतीय जनता पार्टी हारी और बहोरीबंद विधानसभा के अंदर केवल 2 बूथ हम हारे और वो भी 4 वोट से 11 वोट से। तो हम सब ने मिलकर के आज कार्यकर्ताओं का अभिनंदन, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, उनका सम्मान किया है और जनता का आभार व्यक्त और वरिष्ठ मतदाता भाइयों और बहनों का भी सम्मान आज हमने बहोरीबंद विधानसभा के अंदर किया है। बहोरीबंद विधानसभा के विकास के लिए हम सब मिलकर के हमारे विधायक भाई प्रणय पांडे, हमारी पूरी टीम सब मिलकर के प्रतिबद्ध हैं कि बहोरीबंद विधानसभा के विकास के लिए हम 4 चांद लगाने का काम करेंगे। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।